नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। खबर मांडा से है, जहां जनपद प्रयागराज के विकास खंड मांडा के विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका जन्म 25 जून 1931 को हुआ था और उनकी मृत्यु 27 नवंबर 2008 ईस्वी को, जिन्हें संक्षेप में वीपी सिंह कहा जाता है, वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो 1989 ईस्वी से 1990 तक भारत के 7वें प्रधानमंत्री और मांडा के 41वें राजा बहादुर थे। किले के पास विद्यालय लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज में जल जीवन मिशन मेरा पथ एजुकेशन हेड के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए 69 गांव ग्राम पंचायत के सभी एनएम, आशा, आंगनवाड़ी, समूह सखियां एवं शिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज दिनांक 12 जुलाई 2024 को संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान संघ के अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री राजमणि द्विवेदी जी ने सभी प्रतिभागियों को किट को वितरण करने के बाद अपने शब्दों में कुछ बातें कहीं और एक एक करके सभी ने जल जीवन मिशन के बारे में बोला। कार्यक्रम में प्रधान संघ के अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री राजमणि द्विवेदी, विनीत शुक्ला, आकाश गर्ग, अनूप पांडे, मंजेश यादव, जीत कुमार पांडे, सीता देवी, बबीता देवी, आरती देवी व समूह सखी रेखा देवी, आशा सरिता देवी, आंगनवाड़ी नीरज द्विवेदी, एएनएम रंजना जी और सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आइए वीडियो के माध्यम से पूरी खबर को देखते हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए संवाददाता फुलचंद्र की खास रिपोर्ट। व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूती दे सकते हैं। जल जीवन मिशन का मुद्दा जीवन में सिर्फ जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से ही इस कार्यक्रम का जल जीवन मिशन के लिए 11वीं अनुसूची में संविधान के एक अनुच्छेद है 73वां संविधान संशोधन, उसमें स्वच्छता चैनल में आपका स्वागत है। 2 दिवसीय जल निगम जो चला है चैनल, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये जो 2 दिवसीय जल निगम का माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना चल रहा है, आप लोग आज उपस्थित हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या सीख मिला आप लोगों को? यही कहेंगे कि जो है, जो भी बताई गई है बातें, ये बहुत आवश्यक है और जानकारी भी जो दी गई है, ताकि हम लोगों के माध्यम से ये जानकारियाँ जो है जल बचाने की जो विधि बताई गई है बहुत ज़्यादा है। आपका नाम? मैं मांडा। नमस्कार, मेरे न्यूज में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जल संरक्षण जल बचाव की योजना चलाई जा रही है, जो कि 2 दिवसीय ये मीटिंग रखा गया था, आप लोग उपस्थित हैं, क्या सीखा आपने उसके बारे में? हमने यही सीखा कि जल की कितनी कीमत है। जैसे कि महिलाएं बर्तन धोने लगती हैं तो नल चला देती हैं, बहुत ज़्यादा जल निकल जाता है। धरती में सिर्फ 3% साफ स्वच्छ जल है। इसी के बचाने के विषय में बताया गया यहाँ पर। हमने बहुत कुछ सीखा कि जल बचाने से आगे चलकर हमारे लिए उपयोग होगा। जैसे कि प्रधान संघ ने बताया कि मैं 5-5 पेड़ दूंगा आप लोगों को लगाने के लिए, तो पेड़ लगाने के लिए आप लोगों का क्या योगदान रहेगा? लोग लगाएंगे पेड़ और सेवा करेंगे, पेड़ लगाकर आगे डालेंगे। आपका नाम? आप क्या क्या सुझाव क्या कहना चाहेंगी? पानी का बचाव करना है हमें, हमारे बच्चे के बारे में, पानी बचे रहेंगे।